Father, we bow down our heads before thee. प्रभु हम अपने मस्तक को तेरे सामने झुकाते हैं. Because you are our creator. क्योंकि आप हमारे सृजनहार हैं. You are our God. आप हमारे परमेश्वर हैं. And you are God forever. और आप सदा के लिए परमेश्वर हैं. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you for creating us. हमारा निर्माण करने के लिए धन्यवाद. And thank you for all the blessings. सारे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद. That you have supplied all our needs. कि आपने हमारे सारे जरूरतों को पूरा किया है. बाइबल कहती है. So we believe. इसलिए हम विश्वास करते हैं. That all our needs are met. कि हमारे सारे जरूरतों को आपने पूरा किया है. In Jesus name. यीशु के नाम में. I resist the devil. और मैं शैतान का सामना करता हूँ. In Jesus name. यीशु के नाम में. You will not interfere. तो बिल्कुल दखल नहीं you will देगा. Not hinder. आप अड़चन नहीं लाएंगे. During this message time. और इस संदेश के समय में. In Jesus name. यीशु के नाम में. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Father, speak thy word. पिता तेरे वचन को बोल. That we may understand. ताकि हम उसे समझ पाएं. In Jesus name. यीशु के नाम Amen. में. Amen. Can you be seated? हम सब बैठेंगे. You know, we are studying about God, man, and Satan. हम परमेश्वर इंसान और शैतान के बारे में सीख रहे हैं. This is such a big topic. और ये एक बहुत ही बड़ा विषय है. But we must know this. पर हमें इसके बारे में जानना है. If you have not been hearing part one, part two, part three. अगर आप हमारे एक भाग या एक से लेके छह भाग तक आपने नहीं सुना है. Hear it. तो आप जरूर सुनिएगा. Because this is very important. क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना. We cannot praise and worship God unless we know this truth. और जब तक हम इस सच्चाई को नहीं जानते तब तक हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना नहीं कर सकते. Amen. We must know who God is. हमें जानना है कि परमेश्वर कौन है. So we come the right way. ताकि हम उसके सामने सही तरीके से आए. Then we must know who man is. और हमें जानना है कि इंसान कौन है. That God created us. जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है. Amen. Amen. We did not evolve. हम ऐसे हमारा विकास नहीं हो गया. No. नहीं. God created us. प्रभु ने हमें अपने हाथों से बनाया है. Though one day I'll be teaching you. इसके बावजूद एक दिन मैं आपको सिखाऊंगा. How he created us. कि कैसे उसने हमारा निर्माण किया. When the Lord leads, I'll teach you that. जब प्रभु मुझे जताएगा मैं आपको सिखाऊंगा. We also need to learn about Satan. हमें शैतान के बारे में भी सीखना है. Because these are the three things. क्योंकि ये तीन बातें हैं. We must know. और इसके बारे में हमें जानना ही है. Okay. So now this is part seven. अब ये सातवां भाग है. God, man, and Satan. परमेश्वर इंसान और शैतान. Now this is the way Holy Spirit told me. और पवित्र आत्मा ने मुझे इसी रीति से कहा. There are some things. कि ऐसी कुछ बातें हैं. That are difficult for us humans. जो हम इंसानों के लिए मुश्किल है. To understand. जिसे हम समझ पाएं. About the spiritual realm. आत्मिक जगत के बारे में. Or what the Bible talks. या जो बाइबल कहती है उसके बारे में. Why? क्यों? As there is no factor of time. क्योंकि समय की कोई मर्यादा नहीं है. Related to the existence of the Trinity. जो त्रिएक परमेश्वर है उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ समय का कोई मर्यादा नहीं है. Amen. Amen. We are living in the time factor. हम समय के मर्यादा में रहते हैं. So we cannot understand everything. इसलिए हम सारी बातें नहीं समझ पाते. Our human understanding. हमारे मानवी जो समझ है. Is based on the quality of time. ये समय के गुण पे आधारित है. Remember this. ये बात याद रखिए. Because some Christians will, you know, there are some Christians who try to understand. क्योंकि कुछ मसीह हैं जो समझने की पूरी कोशिश करते हैं. When they don't understand. और जब उन्हें नहीं समझती कोई बात. Bible is wrong. तो कहते बाइबल गलत है. Bible is never wrong. बाइबल कभी भी गलत नहीं हो सकती. Amen. Amen. The Bible is the truth. और बाइबल ही सत्य है. Because he didn't understand something. पर क्योंकि हम उसे नहीं समझ पाए. That doesn't mean Bible is wrong. इसका ये मतलब नहीं कि बाइबल गलत है. That's why I'm teaching you this. इसलिए मैं आपको ये बातें सिखा रहा हूँ. This is the way Holy Spirit explained to me. और पवित्र आत्मा ने मुझे इस रीति से सिखाया. He wants you to know this. और वो चाहता है कि आप भी इन बातों को जाने. Our human understanding. कि हमारा जो मानवी बुद्धि है समझ है. Is based on the quality of time. ये समय के गुण पे आधारित है. Amen. Amen. We think of things in the context of having a beginning and ending. हम बातों को ऐसे सोच में सोचते हैं जिसकी एक शुरुआत है और जिसका एक अंत है. हमारा सब सोच beginning ending के मुताबिक है. वो याद रखो.
So don't think, you know, you can understand everything. तो ऐसा मत सोचिए कि आपको सब बातें समझ में आ जाएगी. What you need to understand, Holy Spirit will teach you. और जो बात आपको समझनी है, वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगी. But it there will be still mysteries. पर फिर भी कुछ भेद होंगी. And this is the reason. और यही उसका कारण है. Because we think of things in the context of having a beginning and the ending. क्योंकि हम सारी बातों को इस नजरिए से देखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि उसकी एक शुरुआत होती है, उसका एक अंत होता है. Our understanding is based on past, present, future. और हमारी सोच, हमारी समझ भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल पे आधारित होती है. In the factor of time. समय के मर्यादा में होती है. We are trying to understand someone. और हम ऐसे किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. No beginning, no end. जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है. Amen. Amen. That is who our Godhead is. और यही हमारा परमेश्वर है. Trinity is. और यही त्रिएक है. Our Father. हमारा पिता. Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह. And Holy Spirit is. और पवित्र आत्मा ये है. Amen. Amen. So this is the basic. तो इसलिए ये बुनियाद की बात है. We human beings must know. और हम इंसानों को ये बुनियाद की बातें जानना ही है. Amen. Amen. That's why God cannot teach us everything now. इसलिए प्रभु हमें अभी सब कुछ नहीं सिखा सकता है. And we cannot understand everything. और अभी हम सब कुछ समझ भी नहीं पाएंगे. Because we are living in the factor of time. क्योंकि हम समय की मर्यादा में जी रहे हैं. Whatever we see, whatever we understand, whatever we know is past, present, future. जो भी हम देखते हैं, जो भी हम समझते हैं, जो भी हम जानते हैं, इसका एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल होता है. Our understanding is never that. No past, no present, no future. और हमारी सोच कभी भी ऐसा सोच नहीं सकती कि किसी चीज का कोई भूतकाल नहीं होगा, वर्तमान काल नहीं होगा या भविष्य नहीं होगा. Amen. So this is the basic. तो इसलिए ये बुनियाद की बात है. But when we think of Trinity, पर जब हम त्रिएक के बारे में सोचते हैं या परमेश्वर मस्तक के बारे में सोचते हैं, think of Him, तो हमें ऐसे उसके बारे में सोचना है without the concept of having a beginning and the ending. जिसकी ना ही कभी कोई शुरुआत थी, ना ही कभी अंत होगी. Or past, present, and future. या उसका कोई गुजरा हुआ कल या आज या भविष्य ऐसा नहीं होगा. Amen. Amen. Don't pull him in the factor of time and to understand him who has no time. और परमेश्वर को समय के मर्यादा में खींच के उसे समय के अनुसार समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसके अंदर समय की मर्यादा नहीं है. Amen. Amen. We are trying to do that. हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं. We are trying to pull him in time. हम परमेश्वर को समय में खींचने की कोशिश करते हैं. And trying to understand. और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं. When we think about God, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, we have to realize, तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, what it means, कि उसका मतलब क्या है. That God has always been. कि परमेश्वर हमेशा से था. In existence. हमेशा से अस्तित्व में था. And always will be in existence. और वो हमेशा से अस्तित्व में रहेगा ही. You must know that. आपको इसे जानना है. There is a person. कि एक ऐसा व्यक्ति है. Who has no beginning. जिसकी कोई शुरुआत नहीं है. Who has no ending. जिसकी कोई अंत नहीं है. No factor of time. और कोई समय की मर्यादा या पाबंदी नहीं है. How does he look? तो फिर वो कैसे दिखता How है does he talk? वो कैसे बोलता है. It's very difficult for us to understand. और हमें ये समझने के लिए बहुत कठिन है. Because no one is like that. क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है. No one. कोई भी नहीं. Amen. Amen. Because there are some Christians who when they don't understand, they say, oh, Bible is not true. क्योंकि ऐसे कुछ मसीह है, जब उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती तो वो कहते हैं बाइबल गलत है, इसमें सच नहीं है. I asked Holy Spirit about और मैंने पवित्र आत्मा को उसके बारे में पूछा. He taught me this way. और उन्होंने पवित्र आत्मा ने मुझे इस तरीके से सिखाया. Because you don't understand. क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आता है. The Bible is wrong. ऐसे मत बोलिए कि बाइबल गलत है. So we are trying to understand God who had no beginning. इसलिए हम परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कभी कोई शुरुआत who थी ही no नहीं ending, जिसकी कभी कोई अंत है ही always नहीं, been existence. जो हमेशा से अस्तित्व में था और रहेगा. There is no past, present, future for him. और उसके लिए कोई भूतकाल या वर्तमान काल या भविष्य काल Imagine नहीं होता है. How he will talk to you. तो कल्पना करिए कि वो आपसे कैसे बात करेगा. Being in the factor of time. समय के मर्यादा में होकर कैसे बात करेगा. Who has never been that way. जो कभी भी ऐसा रहा ही नहीं. As he is. जैसे वो है वैसे.
Amen. Amen. Okay. So this is the introduction I wanted to give you. तो यही इसकी पहचान मैं आपको देना चाहता था. Now let us go to the word. अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे. Now last time I was teaching you. अब पिछले बार मैं आपको सिखा रहा था. That since God's quality is always good. क्योंकि परमेश्वर का जो गुण है हमेशा अच्छा ही होता always है. Always good. हमेशा से अच्छा होता है. It didn't change. तो वो बदलता नहीं. It's not that first he was good or bad, then became good, then no. ऐसा नहीं है कि पहले वो अच्छा था, फिर वो बुरा हो गया, फिर अच्छा हो गया, फिर नहीं. ऐसा नहीं है. He's always been good. वो हमेशा से अच्छा ही रहा है. That's अच्छा ही the है. Eternal quality of God. और ये उसके सनातन का एक गुण है परमेश्वर का. Which can never change. जो कभी भी नहीं बदल सकता. That means. इसका मतलब. When God was in existence, कि जब परमेश्वर अस्तित्व में था, there was only good. तो वो केवल अच्छा ही था, अच्छाई थी उसमें. Evil had a beginning. और दुष्टता की एक शुरुआत थी. Remember this. ये बात याद रखिए. Evil had a beginning. और जो बुराई है, जो दुष्टता है, उसकी एक शुरुआत थी. So that we must know. तो ये बात you आपको ध्यान में रखना evil, है. जब हम बुराई होता हुआ देखते हैं. We think that it has always been that way. तो हम ये सोचते हैं कि ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है. No. पर नहीं. Since God has no beginning, no end. क्योंकि परमेश्वर का कोई आदि या अंत शुरुआत नहीं है. And there is no evil. कोई बुराई था नहीं और कोई बुराई नहीं है. Amen. Amen. And then our Father. Created the angels. और फिर हमारे पिता ने स्वर्गदूतों का निर्माण किया. No evil. उनमें भी कोई दुष्टता नहीं थी. Only good. केवल अच्छाई थी. Amen. Amen. And they lived in heaven. और वो स्वर्ग में रहते थे. With our Father. हमारे पिता के Lord साथ. Jesus. प्रभु यीशु के साथ. And Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ. Since our Trinity is good. और क्योंकि हमारा ये त्रिएक परमेश्वर अच्छा Not है, only good, but totally good, केवल अच्छा ही नहीं पर परिपूर्ण रीति से अच्छा which है, means there is no evil in him, इसका मतलब उसके अंदर शनमात्र भी बुराई नहीं है. That means at that time, इसका ये मतलब है कि उस समय, you know, it's very difficult to talk of that realm which has no time. और उस दुनिया के बारे में बताना या समझाना कठिन होता है जिस दुनिया में समय की मर्यादा नहीं because है. We always talk Based on time. क्योंकि हम हमेशा से समय के आधार पे कुछ बात करते हैं. We don't talk without the factor of time. हम समय के आधार के बगैर कभी कोई बात नहीं करते. You know, let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा. This is what Holy Spirit told me. और यही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा. Angels talk. कि जब स्वर्गदूत बात करते हैं. They don't talk regarding the factor of time. तो वो समय या वक्त के बारे में बात नहीं करते. Because they were created before the factor of time. क्योंकि उनका निर्माण समय या वक्त के निर्माण के पहले किया गया था. So even when they talk to you, इसलिए जब वो आपसे भी बात करते हैं, it is difficult for them to talk to you. तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है आपसे बात करना. Because they know, क्योंकि वो जानते हैं, you were created in time. कि आप एक समय में आप पैदा हुए थे या जन्म हुआ था. In time. आपका जन्म एक समय But के आधार they were पे हुआ created था. Before time. पर उनका निर्माण समय बनाने के पहले हुआ था. Amen. Amen. I don't know whether you're understanding all this. मैं नहीं जानता आप इसे समझ पा रहे हैं. But it's very important. पर ये बहुत जरूरी है समझना. So at that time there was only good. तो उस समय में केवल अच्छा ही थी सब जगह. With that good quality. और उस अच्छे गुण के साथ. He created heaven. उसने स्वर्ग को बनाया. That we call heaven or is abode. Or is homeland. और जिसे हम अपना स्वदेश कहते हैं, अपना घर या स्वर्ग कहते हैं. Then when he created the angels. और फिर उसने स्वर्गदूतों का निर्माण किया. They lived with our Trinity. और वो हमारे त्रिएक परमेश्वर के साथ रहने लगे. And when they lived there. और जब वो वहाँ रहते थे. Still everything was good. तभी भी सब कुछ अच्छा ही था. नामो निशाना evil का नहीं था. Hello. एक छोटा अंश भी ईवल नहीं था. टुडे आज सच ईवल इज देयर. आज इतनी दुष्टता फैली हुई है. बट नॉट इवन वन
एटम ऑफ ईविल वाज देयर, पर तब एक क्षण बुराई भी नहीं था स्वर्ग में, एक सैंड ऑफ ईविल भी नहीं था, एक छोटे दाने के समान भी बुराई नहीं थी. They never knew what is evil. और वो जानते तक नहीं थे कि बुराई या दुष्टता they were, क्या they है. Never knew what is sin. वो पाप के बारे में भी नहीं जानते थे. They never knew what is spiritual darkness. आत्मिक अंधकार क्या है ये भी वो नहीं जानते थे. Then we see how evil began. और फिर हम देखते हैं कि बुराई कैसे शुरू हुई, दुष्टता की शुरुआत कहाँ से हुई. So, there is a beginning for evil. तो इसलिए बुराई की एक शुरुआत है. But for good, there was no beginning. पर अच्छाई की कोई शुरुआत नहीं थी. And there is no ending. और उसकी कोई अंत भी नहीं है. Amen. Amen. अच्छाई के लिए शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है. क्योंकि परमेश्वर अच्छा है. Amen. 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 Know this. ये बात जान लीजिए. How much ever evil may happen, और चाहे कितनी भी बुराई सब जगह फैले इस धरती पर, how much ever people become evil, चाहे लोग कितने ही दुष्ट क्यों न बन जाए, evil cannot touch our father. Man, वो दुष्टता हमारे पिता को छू नहीं सकती. Amen. Amen. Never. कभी भी नहीं. He'll always remain good. वो हमेशा अच्छा ही रहेगा. That's the quality of God. और यही हमारे परमेश्वर का गुण है. He is light. और वो प्रकाश है. In him is no darkness at all. उसके अंदर बिल्कुल अंधकार नहीं है. Light always separates darkness. और उजाला हमेशा अंधकार को अलग कर देता है. He doesn't tolerate darkness. और हमारा प्रभु अंधकार को सहन नहीं करता. So, when one of the angels, तो इसलिए जब एक chief angels, एक जो मुख्य स्वर्गदूत था, whose name was Lucifer, जिसका नाम लूसीफर था, the son of the morning, और वो भोर का तारा उसे कहा जाता है. Many don't know what is the name of Satan. और बहुत से लोग शैतान के नाम के बारे में नहीं जानते. No book reveals that. और कोई भी किताब उसके नाम को नहीं बताता है. Only the Bible. केवल बाइबल ही बता सकती है शैतान का नाम क्या है. Amen. Amen. Only the Bible. केवल बाइबल. God gave him a nice name. प्रभु ने उसे एक बहुत अच्छा नाम दिया. Lucifer. Lucifer. And last time I showed you. और पिछले बार मैंने आपको बताया. Beautiful. सुंदर. Full of wisdom. और पूरे बुद्धि से भरा हुआ. Anointed. अभिषिक्त. You know, he had all gemstones on him. और सारे अनमोल रत्न उसके ऊपर लगे हुए थे. Diamond. What do you call? और हीरे, मोती. सारे और रूबी कह सकते हैं या अनमोल जो भी मोती होते हैं या जो भी डायमंड्स होते हैं, all precious सारे अनमोल हीरे उसके ऊपर लगे थे. Was studded in him. और उसके अंदर सब कुछ लगे हुए थे. Even musical organs. और जो वाद्य है संगीत के you वाद्य create music. और वो जो है संगीत का निर्माण करता था. God made him so beautiful. प्रभु ने उसे इतना सुंदर बनाया. Though I'll speak here and there, because line में नहीं बात कर सकता, because what I'm when I'm speaking about the devil, I also want to add about Jesus. और जब मैं शैतान के बारे में बताता हूँ, तो मैं यीशु के बारे में भी बताना चाहता हूँ. That's what Holy Spirit told me. Whenever you speak about hell, also speak about heaven. यही पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जब नर्क के बारे में बोलूँ, तो स्वर्ग के बारे में भी बोलूँ. Because God doesn't want us to focus totally on the darkness side. क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है पूरा ध्यान हम अंधकार पे ही लगाएं. But we must know, we must not be ignorant. पर हम इन बातों से अनजान नहीं होना है. There is a spirit personality called Satan. और एक आत्मिक व्यक्तिमत्वता है जिसका नाम शैतान है. Is the one who's become the God. और वो ही आज इस दुनिया का ईश्वर बन चुका है. Of this age. आज इस युग का. That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती okay. है. So, when he rebelled against God, तो जब उसने परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया, and when our father banished him and the one third of the angels, और जब हमारे पिता ने उसे और एक तिहाई स्वर्गदूतों को निकाल दिया, this was the beginning of evil. तो यही सारे दुष्टता की शुरुआत थी. Amen. Amen. यहाँ से शुरू हुआ अंधकार, यहाँ से शुरू हुआ पाप, यहाँ से शुरू हुआ परेशानी. परेशानी प्रभु से नहीं आया. नो दिस. ये बात जान लीजिए. देयर इज नो इवल इन गॉड. परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है, उसकी ओर से भी कोई बुराई नहीं है. बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ प्राइड. पर पाप, घमंड के पाप के कारण,
he wanted worship or he wanted the throne. तो वो परमेश्वर के सिंहासन को चाहता था, वो आराधना को चाहता था, wanted to be worshipped. और वो चाहता था कि सभी लोग उसकी आराधना करें. The pride factor was there. तो उसके अंदर घमंड आ गया. And so God removed them. और इसीलिए परमेश्वर ने उसे और उसके दूतों को निकाल दिया स्वर्ग से. And from then on, evil started to begin. और फिर वहीं से सारे बुराई की दुष्टता की शुरुआत हुई. From this we see. और इससे हम देखते हैं. The Trinity cannot live alongside the quality of evil. कि जो त्रिएक है वो बुराई के गुणों के साथ में नहीं जी सकती. नहीं. He had to remove them. और उस परमेश्वर को उसे निकालना पड़ा. So that's the quality of God. और यही हमारे परमेश्वर का गुण है. He doesn't excuse darkness. और वो अंधकार को सहन करके नहीं लेता है. You know, for this reason, Holy Spirit taught me about Jesus. और इसी कारण पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु के बारे में सिखाया, जो मैं आपको सिखाऊंगा. God sent him as righteousness. और प्रभु ने उसे धार्मिकता के रूप में भेजा. There is a reason. और इसके पीछे एक कारण है. That I will speak next time. और वो मैं अगली बार आपको बताऊंगा. That's also very important. You must know. और आपको वो बातें भी जाननी है. So, since our Father is just, क्योंकि हमारा पिता न्यायी है, and justice demands a penalty, और न्याय हमेशा सजा की मांग करती है, for injustice or sin, जो पाप के कारण, that is why even when Adam and Eve sinned, इसलिए जब आदम और हवा ने भी पाप किया, in the Garden of Eden, अदन की वाटिका में, what did our Father do? तो हमारे पिता ने क्या किया? You know, there was the presence of our Father in the Garden of Eden. और उस अदन की वाटिका में हमारे पिता का उपस्थिति था. He would personally come and talk to them. और वो खुद स्वयं आके उनसे बात करते थे. And the moment when they sinned, और जिस क्षण आदम हवा ने पाप किया, they were separated from the presence of our Father. तो हमारे पिता की उपस्थिति से वो अलग हो गए. See, God does not tolerate. देखिए, परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता. No. नहीं. He separates them. वो अलग कर देता है उसे. Before that, Garden of Eden could become evil. उससे इससे पहले कि वो अदन की वाटिका बुराई बन जाए, He sent them away. परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका से बाहर निकाल दिया. And put an angel. और वहाँ पे एक स्वर्गदूत को नियुक्त किया. See, He doesn't want evil to enter. देखिए, वो नहीं चाहता है कि बुराई या दुष्टता प्रवेश करे. Even in heaven, स्वर्ग में भी. He didn't want heaven to become evil. वो नहीं चाहता कि स्वर्ग दुष्ट बन जाए. Because God does not have that quality. क्योंकि परमेश्वर के अंदर वो गुण बिल्कुल नहीं है. So you must know God's quality. तो इसलिए आपको परमेश्वर के गुणों के बारे में जानना है. He doesn't tolerate evil. और वो पाप को, अंधकार को बर्दाश्त नहीं करता है. As He separated or banished Lucifer and his angels, जैसे उसने लूसीफर और उसके दूतों को स्वर्ग से निकाल दिया, the same way, उसी तरह he banished Adam and Eve out. उसने आदम और हवा को भी उस वाटिका से निकाल दिया. He protected that garden of Eden. और फिर उस अदन की वाटिका की उसने सुरक्षा की. He protected heaven. और उसने स्वर्ग की सुरक्षा की. No evil can come there. कि कोई बुराई उसके अंदर प्रवेश न कर सकेगी. That shows no sinner can go to heaven. और ये बात दिखाती है कि कोई भी पापी स्वर्ग नहीं जा सकता है. No darkness can enter heaven. कोई अंधकार स्वर्ग के अंदर नहीं आ सकता है. That's why the moment he banished Lucifer and his angels. इसलिए जिस क्षण उसने लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों को स्वर्ग से बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया, he made a place called hell. उसने एक स्थान बनाया जिसका नाम नरक है. Because to separate. ताकि वो उन्हें अलग रख सके. Evil and darkness. बुराई को और अंधकार को वो अलग कर सके. That's the quality of God. और यही हमारे परमेश्वर का गुण है. Amen. Amen. Secondly, we see. और दूसरा हम देखते हैं. The moment they sinned. जिस क्षण उन्होंने पाप किया. Their physical bodies became mortal. तो उनके शारीरिक शरीर जो है विनाशी हो गया. Means their physical bodies were capable of physical death. इसका मतलब उनका शारीरिक शरीर शारीरिक मृत्यु के लायक हो गया. Which death came first? तो पहला कौन सा मौत आया? Spiritual death. आत्मिक मौत आया. Now, when we talk about death, और जब हम मृत्यु के बारे में, in the Bible, बाइबल के अनुसार, wherever you read about death, जहाँ पे भी आप मृत्यु या मौत के बारे में पढ़ते हैं, physical or spiritual, शारीरिक हो या आत्मिक मृत्यु, it is never non-existent. ये कभी भी ऐसे अस्तित्व में नहीं था, ऐसा नहीं है. It is just separation. केवल ये इसे अलग होना कहा जाता है. Death is separation. मृत्यु इसका मतलब अलग होना.
physical death, शारीरिक मृत्यु, is separation of our spirit soul from our body, यह हमारे आत्मा प्राण का अलग होना है हमारे शरीर से, spiritual death, और आत्मिक मृत्यु, separation from spirit soul from God and heaven, यह हमारे आत्मा प्राण का अलग होना परमेश्वर से और स्वर्ग से. So death is not non-existent, not living, no. So ऐसा नहीं है कि मृत्यु जीवित नहीं है या अस्तित्व में नहीं है. It is just separation. ये केवल अलग होना है मृत्यु. Amen. Amen. Once a person is born, और एक बार एक इंसान की जन्म होती है, then God puts that spirit, और प्रभु उसमें एक आत्मा डालता है, of that person, उस व्यक्ति का, that person lives forever. तो वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहता है. Amen. Amen. That's why parents, we are so responsible for our children. इसलिए माता पिता अपने बच्चों के लेके हम कितने जिम्मेदार है. Once they are born, एक बार उनका जन्म होता है, when the conception takes place, और जब बच्चे का धारण हमारे गर्भ में होता है, the soul is there. तब वो प्राण वहाँ मौजूद होता है. That's why abortion is murder. इसलिए गर्भपात करना इसका मतलब हत्या है. Because when child is aborted, क्योंकि जब बच्चे को गिराया जाता है गर्भ में, the angels take that child to heaven. तो स्वर्ग दूत उस बच्चे को स्वर्ग लेके जाते हैं. The child will live. तो वो बच्चा वहाँ जीता है, पलता है हमेशा के लिए. Amen. Amen. That's why God is against abortion. इसलिए परमेश्वर गर्भपात के खिलाफ है. Which is due to non-medical reasons. जो वैद्य कारणों के कारण नहीं है उसके खिलाफ है. Many people don't know this. बहुत से लोग ये बात नहीं जानते. When something this kind of happens, they think, let us get aborted. जब ऐसे कुछ होता है तो वो कहते हैं चलो हम इस बच्चे को गिरा दें. Because you know why? क्यों आप जानते? Even the medical fraternity doesn't know this. और जो मेडिकल के लोग हैं वो भी इस बात को नहीं जानते. When that child is complete, कि वो बच्चा कभी पूरा होता है, they may say after 2 months, 3 months, 4 months, वो कहेंगे 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, कुछ महीनों के बाद बच्चा गर्भ में पूरा होता है. It is from the time of conception. पर ऐसा नहीं है, जिस क्षण वो बच्चा गर्भ में धारण होता है उस समय से वो बच्चा पूरा होता है. That child is a complete child. और वो बच्चा पूरा बच्चा होता है. Formation may take time. उसका आकार रूप आने के लिए समय लगेगा. But that's a complete person. पर तब वो बच्चा एक पूरा व्यक्ति है. So we must be very careful. तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है. Because abortion is pure murder. क्योंकि गर्भपात करना या बच्चा गिराना एक हत्या है. And our father is very grieved. और हमारा पिता बहुत शोकित होता है. Nowadays, आजकल, let me tell you this revelation. और ये प्रकटीकरण आपको बताऊंगा. In these times that we are living, जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय में, the child will be born. और जब बच्चा जन्म लेता है, will be great. वो बहुत ही महान होगा. In this generation, इस पीढ़ी में, and the devil could get some news. और शैतान को कुछ खबरें मिलती है. Because he cannot get news from God. देखिए वो परमेश्वर से तो कुछ खबर नहीं पा सकता है. Living in the spiritual realm. और आत्मिक दुनिया को छोड़. He gathers some information. और वो बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करता है. अरे कुछ तो भी चल रहा है, कुछ तो भी हो रहा है, कुछ तो भी प्लान है. और फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो. मैन ऑफ गॉड से फाइंड आउट करो. क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, स्थिति क्या है. See, he gets news. देखिए वो सब समाचार और जानकारी इकट्ठा करता है. He has no communication. और उसके पास कोई संभाषण का तरीका heaven. नहीं है स्वर्ग से. He lost all communication. और सारा जोड़ उसका टूट गया है स्वर्ग से. Why? क्यों? Because he's become spirit darkness. क्योंकि वो आत्मिक अंधकार बन चुका है इसलिए. And spirit darkness disconnects us from God. और आत्मिक अंधकार हमें परमेश्वर से बेजोड़ कर देता है. देखिए दुनिया के जो लोग हैं, actually have no connection with God. दरअसल उनका परमेश्वर के साथ कोई जोड़ ही नहीं है, नाता ही नहीं है. It's not religion that connects you to God. और धर्म आपको परमेश्वर से नहीं जोड़ता है. It's not the good deeds that connects you to God. आपके अच्छे काम आपको परमेश्वर से नहीं जोड़ते. It's not who you are. आप कौन है ये आपको परमेश्वर से नहीं जोड़ता. It's the life of Christ in you that connects you to God. पर आपके अंदर जो मसीह का जीवन है वही आपको परमेश्वर से जोड़ता है. Amen. Amen. So now these angels are spirit personalities. इसलिए ये जो दूत है ये सारे आत्मिक व्यक्ति है. They don't get any information. और उन्हें कोई जानकारी स्वर्ग से so नहीं मिलती. They've understood. तो इसलिए अब वो समझ चुके. That God is going to make the children who are born in this time great. कि इस समय में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं परमेश्वर उन्हें महान करने वाला है. I told you this before. और मैंने आपको ये बात पहले भी बताया है. So he's trying to
kill babies. तो इसलिए वो बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा है. Because he doesn't want anyone to be great for the kingdom of God. क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी परमेश्वर के राज्य के लिए महान बने. He fears, he trembles. और वो डरता है, थरथर कांपता है. Amen. Amen. I will show you. I'll reveal to you many mysteries. और आपको बहुत सी भेद बातें मैं बताऊंगा. Not everything though, but it's good that we understand all this. सब कुछ नहीं, पर कुछ बातें हम समझे तो अच्छा है. Okay. So as he separated Adam and Eve, he also separated the angels. तो जैसे उसने आदम और हवा को अलग किया, वैसे उसने स्वर्गदूतों को भी निकाल दिया. From his presence. अपने सानिध्य से, अपने उपस्थिति से. So now in heaven there is no evil. तो इसलिए अब स्वर्ग में कोई भी बुराई नहीं है, दुष्टता नहीं है. It is only good. केवल अच्छाई ही वहाँ पे है. Amen. Amen. So when we go to heaven. तो इसलिए जब हम स्वर्ग में जाएंगे. We will be enveloped only with good. तो हम अच्छाई से घिरे रहेंगे. Amen. Amen. No evil. कोई बुराई नहीं होगी इर्द-गिर्द. No one will ever sin. कोई भी वहाँ पाप नहीं करेगा. That sin factor is out. और वो पाप स्वर्ग से निकाल दिया गया है. Amen. Amen. Because he has made hell for sin factor. क्योंकि पाप के लिए उसने नरक बनाया है. That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती है. Let's go a little further. आगे देखेंगे. So, Lucifer. तो इसलिए लूसीफर, now known as Satan, अब जिसे शैतान के नाम से जाना जाता है, all the rebelling angels, और सारे स्वर्गदूत जिन्होंने विद्रोह किया, now known as fallen angels, अब जिन्हें दुष्ट दुरात्माएं या गिरे हुए स्वर्गदूत कहा जाता है, demons, या दुष्टात्माएं कहा जाता है, were cast out from heaven and they have no entry. और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया और अब उनका दोबारा वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता. Hell was created by God. और इसीलिए परमेश्वर ने नर्क को बनाया. Because where they will live? क्योंकि फिर वो कहाँ रहेंगे? They have to live somewhere. कहीं तो उन्हें रहना पड़ेगा. If we are living in heaven, अगर हम स्वर्ग में रह रहे हैं, they have been living in heaven. और वो भी पहले स्वर्ग में रहते थे. Okay, I've created you. You can go anywhere. No. प्रभु ने ऐसा नहीं कहा ना कि मैंने तुम्हें बनाया, तुम कहीं भी जाके रह सकते हो. नहीं. He made heaven for them. परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग बनाया. So they lived in heaven. तो वो स्वर्ग में रहते थे. But now since he banished them. पर अब क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया. He created hell for them. परमेश्वर ने शैतान के लिए नर्क बनाया. Look at Matthew 24:41. और मत्ती 25:41 को और देखिए. Then shall he say also unto them. और फिर वो उनसे ये भी कहेगा. On the left hand. अपने दाहिने बाएं हाथ पे. Depart from me. कि मुझसे दूर हो जाओ. You cursed. तुम श्रापित. Into the everlasting fire. और जो अनंत काल के अग्नि में. Now look at this. अब देखिए. Prepared for the devil and his angels. जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है. So hell is prepared. तो नर्क किसके लिए तैयार की गई है? For Satan, शैतान के लिए, and all the fallen angels, और उसके दूतों के लिए. I know the devil doesn't like this message at all. और शैतान को ये संदेश बिल्कुल पसंद नहीं है. Actually, he has great fear. और उसके मन में दरअसल बहुत बड़ा डर है. Great fear. बहुत डर है उसके मन में. Because he knows. क्योंकि वो जानता है. When the history of this planet runs out. कि जब इस ग्रह पृथ्वी के इतिहास को दोहराया जाएगा. Our Father will send angels. तो हमारा पिता स्वर्गदूतों को भेजेगा. Chain them. और उन्हें बंधन में डालेगा. And throw them in the lake of fire. और उन्हें अग्नि के सरोवर में फेंक देगा. Actually, there are two places now at present. और अब वर्तमान में दो जगह है. There's a temporary abode. एक थोड़े समय के लिए स्थान है. After that, there's the lake of fire. और उसके बाद अग्नि का सरोवर है. Now when people who are spirit darkness. अब जो आत्मिक अंधकार के लोग हैं, जब वो मरते हैं, they go in this place. तो वो इस स्थान पे जाते हैं. There's a temporary abode. तो वो थोड़े छोटा सा एक अधलोक जिसे कहा जाता है. Just torments. और वहाँ पे उन्हें सताया जाता है. Torments. और उन्हें पीड़ा दी जाती है. And after that. और उसके बाद. When the judgment happens. जब न्याय होता है. Then they'll be thrown. In the lake of fire. और जब न्याय होगा तो उन्हें अग्नि के सरोवर में डाल दिया जाएगा. Understand why is God so strict? I will teach you that. और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि परमेश्वर इतना सख्त क्यों है. God is love. परमेश्वर तो प्रेम है. But remember one thing. पर एक बात याद रखिए. Now this is way Holy Spirit taught me. अब यही पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया. God is love. कि परमेश्वर प्रेम है. That doesn't mean is unrighteous. इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनीतिमान है या अधर्मी है. His love is connected to righteousness. उसका प्रेम धार्मिकता से जुड़ा हुआ है. Amen. Amen.
His love is connected to righteousness. उसका प्रेम धार्मिकता से जुड़ा हुआ है. हमारा जैसा प्रेम ने अच्छा पाप किया चलता चलता है चांद मैं उधर देख. Your love is based on unrighteousness. आपका प्रेम अधर्म है या अनीतिमान है. Amen. Amen. Hello. Understand this. इस बात को समझिए अच्छे से. His love is connected to righteousness. पर उसका प्रेम धार्मिकता या सत्यनिष्ठा से जुड़ा हुआ है. Though he loves. इसके बावजूद वो प्रेम करता है. He will act based on righteousness. पर वो धार्मिकता के आधार पे न्याय करता है, व्यवहार करता है. I will teach you that next time. अगली बार आपको वो सिखाऊंगा. That's very important. और वो बहुत जरूरी है जानना. क्योंकि आपको ये बातें सारी जाननी है. So, here we see तो when the angels rebelled in heaven, कि जहाँ स्वर्गदूत ने विद्रोह किया स्वर्ग में, when they took the quality of evil, जब उन्होंने बुराई का गुण अपने अंदर ले लिया, our father separated them, तो हमारे पिता ने उन्हें अलग कर दिया, he made a place, उनके लिए एक जगह बनाई, that is called hell, जिसका नाम नरक है, and according to the Bible, और बाइबल के अनुसार, this place is somewhere in the center of planet Earth, और ये जो जगह है, ये धरती के बीचों बीच कहीं तो है, but the spiritual place. पर ये एक आत्मिक स्थान है. That's why you cannot see it. इसलिए आप इसे देख नहीं सकते. But it's the truth. पर ये एक सच्चाई है. The greatest fear is in hell. और सबसे बड़ा डर नरक के अंदर है. Opposite to that, heaven is full of fun. और उसके विरोध में स्वर्ग जो है पूरा मौज है, पूरा मजा है. Are you seeing this? क्या आप देखते हैं? That God does not excuse darkness. कि परमेश्वर अंधकार को माफी नहीं देता है या बर्दाश्त नहीं करता है. नहीं, बिल्कुल नहीं. We cannot live a sinful life. हम एक पाप भरा जीवन नहीं जी सकते हैं. No, no. नहीं. We cannot do that. आप ऐसा नहीं कर सकते. Once you know this, और एक बार आप इसे जान who our God is, कि हमारा परमेश्वर कौन है, you have the fear of God, तो आपके अंदर परमेश्वर का भय which होगा, is the beginning of wisdom. जो हमारे बुद्धि की शुरुआत है. See, there is two fear which Holy Spirit taught me. देखिए पवित्र आत्मा ने मुझे दो भय One या is डर, godly fear. एक जो है दैविक डर है, दैविक भय, and that is good. और वो अच्छा Why? है. क्यों? It keeps you in the righteous path. क्योंकि वो आपको धर्मी चाल पे रखता है. You know, some preachers are thrown fear out. और कुछ प्रचारकों ने डर को पूरी तरह बाहर निकाल दिया है. सब डर को बाहर निकाल दिया. नहीं, godly fear रहना चाहिए. नहीं, परमेश्वर का भय होना जरूरी है. godly fear must be there. और परमेश्वर का भय होना Which जरूरी will keep है. you in the right track. जो आपको सही मार्ग पे रखेगा. You know, there are some who don't have godly fear. और कुछ लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का भय या परमेश्वर का डर नहीं है. So they do anything. तो वो कुछ भी करते हैं. Because they think fear is wrong. क्योंकि वो सोचते हैं डरना तो गलत है. No. नहीं, Negative fear of Satan is wrong. नकारात्मक डर जो शैतान से आता है वो गलत है. But it's the godly fear. पर परमेश्वर का जो भय है. That keeps you from sin. जो आपको पाप से दूर रखता है. That makes you to live a godly life. जो आपको एक दैविक जीने लगाता, जीवन जीने लगाता है. What is godly life? अब एक दैविक या भक्ति जीवन क्या है? Many people don't know this. बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते. Living godly is. और दैविक जीवन जीना. Your behavior. आपका बर्ताव. Your conduct. आपका चाल चलन. What you see. आप क्या देखते what हैं. You hear, आप क्या सुनते what हैं. What you speak. आप क्या बोलते हैं. Is it godly? और क्या वो दैविक है, प्रभु को दिखाता है? That's very important. ये बहुत मायने रखता है. That is what it means living godly. और इसका यही मतलब है एक भक्ति जीवन जीना. Let's go a little further now. आगे और देखेंगे. And here it says. और यहाँ लिखा है. Into everlasting fire. और सनातन के अग्नि में. Here it gives some description of hell. और यहाँ नरक के बारे में कुछ बताया गया है. Which is a place of torment and pain. जो सारे दर्द और पीड़ाओं का स्थान है. Now see, I told you in the beginning. अब मैंने शुरुआत में आपको बताया. God is teaching something. कि प्रभु कुछ सिखाना चाहता है. That we humans will find it difficult to understand because we are living in the factor of time. जो हम इंसानों को समझने में मुश्किल होगी क्योंकि हम समय की मर्यादा में जीते हैं. Amen. Amen. Because what he is speaking. क्योंकि जो वो कह रहा है. A person who is speaking who Who is not surrounded by time. एक ऐसा व्यक्ति है जो समय से घिरा हुआ नहीं है. और तुमको एक्सप्लेन करने का सबसे डिफिकल्ट है.
That's why when angels come to you, इसलिए जब स्वर्गदूत हमारे पास आते हैं and talk to you, और आपसे बात करते हैं, it is very difficult for them to talk to you. तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आपको कुछ बात बताना या समझाना. Because they are living in the factor of no time. क्योंकि वो ऐसे दिन में जी रहे हैं या समय में जी रहे हैं जहाँ पे कोई समय and ही नहीं understand है. Everything past, present, future. और आप सब कुछ समय के नजरिए से समझते हैं. So when you read the Bible, तो इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, many say, oh, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं. रुको, प्रभु जितना हो सकता तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, क्योंकि हम लोग जो जीते हैं टाइम फैक्टर में, हम समय को लेकर जीते हैं, और ये जो हेल है वो नो फैक्टर ऑफ टाइम का है. और तुमको कैसा सिखा है जो जगह है जो नो फैक्टर ऑफ टाइम में, तुमको कैसा सिखा है बोलो. Did you understand this? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? God is teaching you something. प्रभु आपको ऐसा कुछ सिखा रहा है where there is no time. जहाँ पे समय का कोई मर्यादा नहीं है. He is trying his best to teach you. वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है आपको कुछ सिखाने के लिए. Because you will not understand unless we go to heaven. क्योंकि हम तब तक कुछ बातों को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम स्वर्ग नहीं जाते. Here we have limitations. और यहाँ पे हमारे कुछ पाबंदियाँ हैं, हमारी कुछ सीमाएं हैं, हम शारीरिक शरीर में रहते हैं. And we are trying to understand. और हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं. So the best we can understand, we must take it. तो इसलिए जितना ज़्यादा अच्छे से हम समझेंगे उतना ज़्यादा हमें लेना है. Okay, so here it, God is giving us the description of hell. तो यहाँ परमेश्वर हमें नर्क के बारे में कुछ बता रहा है. Which is a place of torment and pain. जो दर्द और पीड़ाओं से भरा एक स्थान है. And this torment and pain. और ये पीड़ा और जो दर्द है. Is happening for those living there with a spiritual body. और जो वहाँ आत्मिक शरीर के साथ रह रहे हैं उनके साथ हो रहा है. This is the truth. और ये सच्चाई है. Amen. Amen. So don't take Christianity lightly. तो इसलिए मसीह जीवन को हल्के में मत लीजिए. So these are the truths. ये तो सारी सच बातें हैं. Amen. These are the truths. और ये सारी सच्चाई है. Now this place called hell was necessary to our father. अब ये जगह जिसका नाम नरक है पिता के लिए जरूरी था. क्यों? So that there'll be a final separation. ताकि एक अंत अलगाव होगा. Of evil from good. बुराई का अच्छाई से. And all evil. और सारी जो बुराई है. Is sealed in one place for eternity. उसे हमेशा के लिए एक स्थान में बंद किया जाए. Amen. Amen. Scatter इधर उधर. Devil का काम क्या है? Evil scatter करता है. You know whom the devil uses? आप जानते हैं शैतान किसका इस्तेमाल करता है? Even among Christians, मसीहों में भी किसका इस्तेमाल करता है? Those whose soul is contaminated. जिनका प्राण या हाँ जिनका प्राण दूषित हो गया है उनका इस्तेमाल करता है. He works in darkness. और वो अंधकार में काम करता है. If you keep yourself light, अगर आप अपने आप को उजाले में रखेंगे, he won't work. तो वो आपके द्वारा काम नहीं कर पाएगा. That's why I take care of my soul daily. इसलिए मैं अपने प्राण का रोज ध्यान रखता हूँ. I don't allow any offense to come. और कोई भी बुराई को या दुष्टता को ठेस को मैं अंदर आने नहीं देता हूँ. Never. कभी भी नहीं. When people hurt me, जब लोग मुझे ठेस पहुँचाते हैं, I forgive them. तो मैं उन्हें माफ कर देता हूँ. Holy Spirit has taught me how to forgive. और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि कैसे माफ करना है. Whether I feel it or not. चाहे मुझे वो महसूस हो अच्छा लगे या ना लगे. Maybe I'm angry. हो सकता है कि मैं गुस्सा हो जाऊं. But I tell the Lord. पर मैं प्रभु से कहता हूं. Though I'm angry. कि इसके बावजूद मैं थोड़ा नाराज हूं. But I choose. पर फिर भी मैं चुनता हूं. To forgive that person. मैं फैसला करता हूं कि मैं उस व्यक्ति को माफ कर दूं. Amen. Amen. And I choose to bless him. और फिर मैं निर्णय लेता हूं उसे आशीर्वादित करने का. You know, this is such a great blessing. और ये एक बहुत महान आशीर्वाद है. That person offends you. और जो व्यक्ति आपको ठेस पहुंचाता है. Will be disciplined by God. और वो परमेश्वर से शिस्त किया जाएगा. Because I choose to forgive him. क्योंकि मैंने फैसला किया कि मैं उनको माफ करूं. Amen. Amen. You will be promoted. आप आगे बढ़ेंगे, आपकी तरक्की होगी. Remember this. ये बात याद रखिए, ऐसा करने से आपकी तरक्की होगी. You are in strong hands. आप मजबूत हाथों में होते हैं. The devil will not trouble you. शैतान आपको नहीं सता सकता है फिर. The devil will surely trouble that person. पर शैतान यकीनन उस दूसरे व्यक्ति को सता सकता है. Now many don't know this. अब बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते. Many Christians don't know. बहुत से मसीह इस बात को नहीं जानते. You know, Holy Spirit told me. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया. God has a time for you to come to heaven. कि परमेश्वर का एक नियुक्त समय है जब आप स्वर्ग जाएंगे. But because our soul is not clear. पर क्योंकि हमारा प्राण जो है साफ नहीं है. Satan can interfere in this death. शैतान इस मृत्यु में दखल दे सकता है.
It can cause it to happen before time. और समय के पहले ही वो आपकी मृत्यु को ला सकता है. See, there are many mysteries Holy Spirit has revealed to me. और बहुत सी भेद बातें पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई है. Which I don't reveal often. जो मैं ज़्यादातर बताता नहीं हूँ. Because people may think, ऐसा पास्टर बोला ना उसका ना ऐसा हो गया रहेगा इसके लिए. That's why I don't tell. तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ. But this is the truth. पर यही सच्चाई है. So here we see. तो इसलिए यहाँ हम देखते हैं. So now I told you. तो मैं अब मैंने आपको बताया. The place called hell. कि जो स्थान जिसका नाम नरक है. Was necessary. वो जरूरी था बनना. So that there'll be final separation. ताकि प्रभु इस सारी बुराई का अंतिम अंत कर सके. Of evil from good. अच्छाई से इस बुराई का अंत कर सके. And all evil. और सारी बुराई. Will be sealed in one place. इसे एक ही स्थान में बंद कर दिया जाए. For eternity. सनातन के लिए. And locked. और उसका वहां ताला हो जाए. Amen. Amen. ताकि हम लोग जो स्वर्ग जाते हैं, evil एक अंश भी नहीं आ सकता. Amen. Never. कभी भी नहीं. Amen. Amen. See, look at God's wisdom. देखिए परमेश्वर की बुद्धि की ओर. Because evil is scattered everywhere today. क्योंकि बुराई आज सब जगह बिखरी हुई है. इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, इधर भी है, सब जगह है. But hell is a place. पर नरक एक ऐसा स्थान है. All evil will be. Put together. जहाँ पे सारी बुराइयों को एक साथ डाल दिया जाएगा. Sealed forever. और हमेशा उसके ऊपर हमेशा के लिए मोहर लगा दी जाएगी. See, in heaven, there is no procreation. देखिए स्वर्ग में उत्पादन करना नहीं है. नहीं है. नया जन्म मतलब what you call, पैदाइश करना या उत्पादन करना नहीं है वहाँ पे. Whoever is there, जो भी वहाँ है, are the righteous people. वो सारे धर्मी हुए. From them never will evil come. और उनमें से कभी भी बुराई नहीं आएगी. Are you happy? क्या आप खुश है? कौन सा भी एक कोने में से भी ईवल नहीं आएगा स्वर्ग में. हेलो, यू नो हेवन वर्ल्ड इज मेनी मिलियंस ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन दिस गैलेक्सी. और स्वर्ग की दुनिया इस धरती की भूमंडल से भी हजारों हजारों गुना बड़ा है. आप कहीं पे भी किसी भी कोने में जाइए, नॉट इन वन ईवल थॉट विल कम. एक बुरी विचार भी आपके अंदर नहीं आ सकती. क्यों? ऑल ईवल will be sealed in hell forever. क्योंकि सारे बुराई नरक में बंद कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए. Forever. हमेशा के लिए, सदा के लिए. The matter of the possibility of human beings going to hell. और जो इंसान है वो नरक जाने की जो प्रमाण है. Did not become a factor. वो एक बात नहीं बन गई. Until Adam and Eve sinned. तब तक जब तक आदम और हवा ने पाप किया. And separated from our father in the Garden of Eden. और हमारे पिता से वो आदम की बाटिका में अलग हो गए. Till that time it was not decided. और तब तक ये निर्णय नहीं लिया गया Hell था. Hell was made for Satan and his angels. जो नरक है वो शैतान और उसके दूतों के लिए ही बनाया गया था. But the moment Adam and Eve fell. पर जिस क्षण आदम और हवा गिर गए पाप में, they were separated from good. तो उन्हें उनकी अच्छाई से अलगाव हो गई. Hell became a factor for human beings. तब से नरक इंसानों के लिए भी एक स्थान बन गया. Amen. Did you understand this? क्या आप इस बात को समझे? Till that time, hell was not for human beings. तब तक नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया गया था. That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती है. It became a matter. When Adam and Eve were separated from our Father's presence. और जब आदम और हवा को पिता के उपस्थिति से अलग कर दिया पाप के कारण, तब से नरक इंसानों के विषय में आ गया. तब तक वो बिल्कुल नहीं था. Hell became a reality. और नरक एक हकीकत बन गई. Because every time he had to separate. क्योंकि हर बार उसे अलग करना पड़ा. When a person dies. जब एक व्यक्ति मरता है. As Spirit darkness. आत्मिक अंधकार बनकर. He has to be quickly separated. तो जल्दी से उन्हें अलग करना पड़ता है. So he is quickly separated to hell. तो उसे तुरंत नरक में डाल दिया जाता है. Sealed in one place. और एक स्थान में उसे बंद कर दिया जाता है. उसका इफेक्ट बाहर दिखना नहीं चाहिए. Did you understand this? क्या आप इस बात को समझे? That's the finality. और यही अंत है. Any person who dies, कोई भी व्यक्ति जब मरता है, spirit darkness, वो एक आत्मिक अंधकार होता है. Quickly must be separated. तो तुरंत उसे अलग कर दिया जाना Not चाहिए. एक साथ ऐसा नहीं, एक एक व्यक्ति का अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट है.
because God doesn't tolerate even one spirit darkness to come to heaven. परमेश्वर एक आत्मिक अंधकार को भी स्वर्ग में आने की इजाजत नहीं देता है. Every moment a person dies. हर एक क्षण एक व्यक्ति मरता है. If a spirit darkness, अगर वो आत्मिक अंधकार है, is separated forever. तो उसे तुरंत हमेशा के लिए अलग किया जाता है. No one comes out of hell. कोई भी नरक से बाहर नहीं आ सकता है. Never. कभी भी नहीं आ सकता है. Evil is not permitted to come out of hell. और बुराई को इजाजत नहीं है कि वो नरक से बाहर आए. And one day it will be sealed forever. और एक दिन हमेशा के लिए उसे वहां बंद कर दिया जाएगा. Why was Lucifer cast out from heaven? अब लूसीफर को स्वर्ग से बाहर क्यों निकाला गया? For a sin of pride. उसके घमंड के पाप के कारण. And his desire to become God. और उसकी अभिलाषा कि वो परमेश्वर के सिंहासन पे आए. In pride you are deceived. और जब आप घमंड होते हैं तब आप फंसाए भी जा सकते हैं. हर आदमी को ना समझता नहीं, बड़ा बड़ा बात करेगा वो, उसको ये भी मानने वो है नहीं वैसा. Whatever Lucifer had, और जो भी लूसीफर के पास था, given by God, वो उसे परमेश्वर ने दिया हुआ था. उसका खुद का नहीं है. That's the last time I told you. और इसलिए पिछले बार मैंने आपको बताया. When you work for the Lord, जब आप प्रभु के लिए काम करते हैं, never utter that I did it. कभी भी ऐसा मत बोलिए कि मैंने किया. Without God giving you ability, you could never have done it. और परमेश्वर ने आपको वो क्षमता अगर नहीं दिया होता तो आप कभी भी नहीं कर पाते. You didn't do it. आपने नहीं किया. You did it by the help of God. आपने परमेश्वर की मदद से वो काम किया है. Amen. Amen. Never bring I. कभी भी अपने आप को मैं बीच में मत लाइए. Suppose एक paralytic attack आया, तुम कुछ भी नहीं कर सकता है. क्या कर सकता है? बेड पे पड़ा रहेगा. तुम बोलेगा मैं ये किया, मैं वो किया. तुम किया इसलिए क्योंकि प्रभु का कृपा से तुमको पैरालिटिक अटैक नहीं आया. Isn't it? है ना? Are you seeing this? क्या आप इसे देख रहे हैं? Even a little boast God doesn't like. और परमेश्वर को अपने आप की थोड़ी सी बड़ाई भी पसंद नहीं है. Whatever we have today, आज जो भी हमारे पास है, we didn't receive because we deserved. इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम उसके लायक है. नहीं, नहीं. It is because of his grace. ये केवल परमेश्वर की कृपा के कारण है. मैं हमेशा उससे कहता हूँ कि मैं यहाँ हूँ. Not because I am the best. इसलिए नहीं क्योंकि मैं सबसे उत्तम हूँ. तुम्हारे से भी बेस्ट मैं हूँ इसके लिए प्रभु ने चुना, ऐसा नहीं है. उल्टा मैं तुमसे वर्स्ट रहेगा. God choose the foolish of the world. और परमेश्वर ने इस दुनिया के मूर्ख लोगों को चुना है. To stand before the wise. ताकि वो बुद्धिमानियों के सामने खड़े रहे. The weak of this world. और इस दुनिया के कमजोरों को चुना है. To stand before the mighty. कि जो महान है उनके सामने खड़े रहे. God, Holy Spirit told this. पवित्र आत्मा ने कहा ये. God never calls the qualified. कि जो गुणवंत है प्रभु उन्हें कभी नहीं बुलाता है. He qualifies those whom he calls. और जिसे वो बुलाता है उसे वो गुणवंत करता है. Amen. Amen. ये मत सोचो पास्टर कुछ तो महान काम करेगा इसके लिए पास्टर बना. नहीं. I was the most foolish person. और मैं बहुत ही मूर्ख था. I had no desire for God. और परमेश्वर के लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी. I had never read the Bible. मैंने कभी भी बाइबल नहीं पढ़ा था. I was a worldly person. और मैं पूरे दुनिया से भरा हुआ था. Not even qualified. और मैं इतना लायक भी नहीं था. I just finished my 10th. मैंने केवल अपनी 10वीं पास की थी. I don't put my qualifications before you. और मैं अपने पढ़ाई को शिक्षण को आपके सामने नहीं रखता हूं. ये सब के वजह से मैं नहीं नो नहीं. The moment I say that, और जिस क्षण मैं ऐसा कहूंगा, I'm taking the glory. तो मैं सारी महिमा लूंगा. And God does not give glory to any man. और परमेश्वर अपनी महिमा किसी इंसान को नहीं देता है. With humility you are connected. और पूरे नम्रता के साथ आप जुड़ते हो. With pride you are disconnected. और घमंड से आप बेजोड़ हो जाते हैं. That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती है. God resists the proud. कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है. But he gives grace to the humble. पर जो नम्र है, दीन है, उन्हें वो सम्मान देता है. Amen. Amen. I was just seeing a video someone sent. और किसी ने एक वीडियो भेजा वो मैं देख रहा था. I was really touched. और मैं बहुत छू गया उस वीडियो को देखकर. That person was speaking. और जो व्यक्ति बोल रहा था. He was telling. वो कह रहा था. You know how Christians are. कि आप जानते मसीह कैसे हैं. We are not like violent people of the world. और दुनिया के जो हिंसक लोग हैं हम उनके समान नहीं हैं. We are not killers. हम खून करने वाले खूनी नहीं हैं. In fact, the Lord said. When someone slaps you here, you showed your other cheek. बल्कि प्रभु ने कहा जब एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखाओ. We are like those people. हम ऐसे लोगों के समान हैं. Let us keep this testimony. तो इस गवाही को हम बरकरार रखें. Amen. Amen. Violence is not from God. हिंसा परमेश्वर से नहीं है.
You know, I can forgive you when you speak against me. आप मेरे खिलाफ बात करेंगे तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ. But I don't forgive when you speak against the Lord's church. पर जब आप परमेश्वर के कलीसिया के खिलाफ बात करते तो मैं नहीं माफ कर सकता हूँ. No. नहीं. I said, Lord, you deal with that. मैं कहता हूँ कि प्रभु तू ही निपट ले. That person has spoken against me personally. और व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ बात किया है. I forgive him. तो मैं उन्हें क्षमा करता हूँ. But if he has spoken against the calling. पर अगर मेरे बुलाहट के खिलाफ उन्होंने बात की है. Against the body of Christ. परमेश्वर के मसीह के शरीर के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ बात की है. That you have to deal. तो प्रभु वो आपको देखना पड़ेगा. I leave it to you. मैं आपके हाथों में छोड़ देता हूँ. That is the way I live. और मैं ऐसा ही जीता हूँ. Personally, you can tell me anything. व्यक्तिगत रूप से आप चाहे मुझे कुछ भी बोले. I freely forgive. मैं आपको पूरी तरह से माफ कर देता हूँ. Against the Lord. पर अगर आप प्रभु के खिलाफ बात करेंगे या उसके कामों के खिलाफ या उसके बुलाहट के खिलाफ, I just leave to the Lord. तो मैं वो परमेश्वर के हाथों में दे देता हूँ. Amen. Amen. See, that is very important. देखिए बहुत. Because when Saul came against Christians, what did Jesus say? क्योंकि जब शाऊल मसीहों के खिलाफ आया तो प्रभु ने क्या Saul, कहा? Why do you persecute? कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है. मतलब उसने बिलियोस को अलग नहीं किया, उसको एक माना. Amen. तुम उसको बोलता है, मतलब मुझे बोलता है. See, look at this. देखिए इस बात को. Imagine the one who is called. और कल्पना कीजिए जिसे प्रभु ने बुलाया है. You cannot speak against that person. तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते. Did you understand all this? क्या इस बात को आप समझे? The Lord didn't say, "Oh, you spoke against Christians." प्रभु ने ऐसा नहीं कहा शाऊल से कि तूने मसीहों के खिलाफ बात की. Why did you speak against me? प्रभु ने कहा कि शाऊल शाऊल तू मेरे खिलाफ क्यों काम कर रहा है? He becomes one with us. देखिए वो हमारे साथ एक हो जाता है. Amen. Amen. When you bless a Christian, you're blessing Christ. जब आप एक मसीह को आशीर्वादित करते हैं तो दरअसल आप मसीह को आशीर्वाद करते हैं. When you curse a Christian, you're cursing Christ. जब आप एक ईसाई एक विश्वासु को श्रापित करते हैं तो आप मसीह को श्रापित कर रहे हैं. By the way we live. तो हमारा जीने का तरीका इससे ही हम जाने जाते हैं. In the future, और भविष्य में we'll be known by the culture of heaven. और जो स्वर्ग की संस्कृति है हम उसके द्वारा जाने जाएंगे. Amen. In this generation. इस पीढ़ी में we'll be known. By the way we live the heaven life. और हम जैसे स्वर्गीय जीवन यहाँ पे जीते हैं उससे हम जाने जाएंगे. I never take in violence. और कभी भी मारपीट या हिंसा का मार्ग मत अपनाइए. Today I posted a message on war. Did you read it? और आज मैंने युद्ध के ऊपर एक संदेश डाला है फेसबुक पे. War is not from God. और युद्ध परमेश्वर से नहीं है. I'll post more messages. इसके बारे में मैं और संदेश फेसबुक पे डालूंगा. Because violence is not from God. क्योंकि हिंसा या मारपीट लड़ाई झगड़ा प्रभु से नहीं है. If you have violence in you, अगर आपके अंदर हिंसा है, you are partaking of darkness. तो आप अंधकार के साथ सहभागी हो जाते हैं. Don't partake of darkness. और अंधकार में आप शामिल मत होइए. Let's all stand up. हम सब खड़े होंगे. Now, I didn't finish this. We'll see more. अब ये संदेश पूरा नहीं हुआ है. अगली बार और देखेंगे. Because there are many things we have to still study. क्योंकि अभी बहुत सी बातें हैं जिनका हमें सीखना है, अभ्यास करना है. So are you blessed? तो क्या आप आशीर्वादित हैं? Hello, you're learning some things. है ना, आप कुछ सीख रहे हैं. Don't miss my messages. और संदेश को मेरे चूकिएगा मत. I sit with the Lord for many hours. और बहुत घंटों तक मैं प्रभु के साथ बैठता हूँ. And get the revelation. और तब मैं वचन को प्रकाश को पाता हूँ. Okay. I'll make a general prayer for all of you. अब मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगा. But see, let me tell you first. पर पहले एक बात कहना चाहूँगा. Keep your soul clean. कि अपने प्राण को साफ रखिए. Otherwise, prayer will not have any effect on you. नहीं तो फिर प्रार्थना का आपके जीवन पे कोई असर नहीं होगा. God doesn't work with darkness. क्योंकि प्रभु अंधकार के साथ नहीं काम करता. He suppresses darkness and works. वो अंधकार को अलग करता है फिर काम करता है. In this time we are living. और जिस समय में हम रह रहे हैं. You know what he's doing? आप जानते हैं वो क्या कर रहा है? All platforms or cleaning all platforms. और सारे मंचों को वो साफ कर रहा है. And I'm praying daily. और मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूँ. For a great exposure. एक महान दिखावा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Exposure of evil. और बुराई के खुलासा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. और हर एक भाग में, हर एक क्षेत्र में. For months and months I'm praying. और महीनों से मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Great open up of the evil. कि बुराई का खुलासा हो एक महान रीति से. क्यों? Unless darkness is removed, light won't come. जब तक अंधकार निकाला नहीं जाता प्रकाश नहीं आ सकता. That's what Holy Spirit told me. और यही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा. You too. इसलिए आप भी remove darkness. अंधकार को बाहर निकालिए. And the light enters. और तब प्रकाश प्रवेश करेगा. Father, thank you for all these wonderful saints. पिता, इन सारे अद्भुत संतों के लिए धन्यवाद. Even those who are watching online. और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी. You heard this truth.
आपने सच्चाई को सुना है. You are responsible for your own life. अपने खुद के जीवन के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं. Not anyone else. और कोई दूसरा नहीं. We know about light and darkness. हम अंधकार और प्रकाश के बारे में जानते हैं. Because we have been separated from darkness. क्योंकि हमें अंधकार से अलग किया गया है. God doesn't want us to again go back into darkness. और प्रभु नहीं चाहता है कि हम दोबारा उस अंधकार में जाएं. I bless you all in Jesus' name. मैं आप सभी को आशीर्वादित करता हूँ यीशु के नाम में. I bind any sickness and disease. कोई भी बीमारी या रोग को मैं बांधता हूँ. Be gone in Jesus' name. निकल जा यीशु के नाम में. If you still have fear. अगर अभी भी आपके मन में डर है. That shows a few things. ये कुछ बातों को दर्शाता है. There is some darkness. कि कुछ अंधकार है आप में. Or you're neglecting the word. या आप वचन का नजरअंदाज कर रहे हैं. Do this and you'll be free. ऐसा करिए और आप आजाद हो जाएंगे. Be free in Jesus' name. आजादी पाओ यीशु के नाम में. I bless you. मैं आपको आशीर्वादित करता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. I bless every part of your body. आपके शरीर के हर एक हिस्से को मैं आशीर्वादित करता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. I declare. मैं घोषणा करता हूँ. No sickness. कोई भी बीमारी. No virus. या कोई भी वायरस. Shall come near your house. आपके डेरे के नजदीक नहीं आएगी. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Say amen. I receive it. Amen. बोलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ. Okay. Amen.